फ्रेंड्स, प्रभजोत कुर संधू की तरफ से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ होली की स्पेशल गुजियां। तो हर एक का डिफरेंट तरीका होता है गुजियां बनाने का, और मेरा भी कुछ अलग है तरीका, तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही फेमस है, पूरे भारत में खाई जाती है होली के त्यौहार पर यह गुजियां। तो चलें आपको मैं बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ होली की स्पेशल गुजियां। स्वादिष्ट गुजियां बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सूजी चाहिए, ये पाव भर है सूजी, काजू, थोड़े से मगज, थोड़ी सी किशमिश, और ये खोया जो मैंने बनाया है, घर का बना हुआ खोया है ये, और ये बस इतनी सी कोकोनट की गिरी चाहिए, और दूध, ये दूध है, ये पाव भर से ज़्यादा है, क्योंकि दूध से हमें इसका जो आटा तैयार करना है भुजियों के लिए, गूंदना है, इसमें पानी नहीं डालना। दूध में थोड़ा सा 1.5 चम्मच के करीब देसी घी डाल लूँगी, उससे क्या है कि गुजिया बड़ी अच्छी और खस्ता बनेगी। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। इस क्या करना है कि ये जो ये है काजू है और ये मगज है, इनको दोनों को मिलाकर थोड़ा सा ग्राइंडर में इनको क्रश कर लेना, यानी कि ज़्यादा आटा टाइप नहीं बनाना, थोड़ा सा इसको दरदरा सा पीस लेना है इनको। तो चलो मैं शुरू करती हूँ ये प्रोसेस। ये देखिए मैंने दरदरा सा पीस लिया है काजू और मगज को, तो और ये जो गिरी थी कोकोनट की, उसको मैंने चाकू से बारीक बारीक काट लिया है, और इसको सूजी को हमने भूनना है। मैं बिना घी के भूनूंगी, क्योंकि खोए को हम थोड़ा सा घी डाल के भूनेंगे, तो फिर बाद में सूजी को उसमें मिक्स कर देंगे। मैं देसी घी का इस्तेमाल करूंगी गुजिया बनाने के लिए, थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लेती हूँ आटे में। मैं दूध में इसलिए मिक्स नहीं किया कि शायद दूध ज़्यादा ना पड़ जाए, फिर दूध ख़राब होगा, इसलिए मैंने आटे में मिक्स कर लिया। वैसे मैं घर का घी ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन 3-4 बार पिन्नियाँ बनाई हैं तो घर का घी सारा ख़त्म हो गया, तो इसलिए मुझे बाज़ार से मंगवाना पड़ा गुजियों के लिए। तो अब गूंथते हैं आटा, आटा गूंथ के रख लेंगे सेट होने के लिए, फिर हम सूजी को भून लेंगे। सूजी और खोए को भी भूनना है, यानी कि जो गुजियों भरने के लिए जो मटेरियल तैयार करना है हमने, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन बड़ी ही अच्छी गुजियां बनती हैं। होली आ रही है, बच्चों की डिमांड थी कि मामा बनाएं आप गुजियां बनाएं, हम वैसे हर होली में होली पे बनाते हैं, तो इस बार भी बना रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा मैंने गूंथ लिया है अच्छे से, बड़ा सॉफ्ट गूंदा है। अब इसको हम रेस्ट पे रख देंगे, जब तक हम अपनी सूजी को भून लेंगे, खोए को भून कर तैयार कर लेंगे, यानी कि जो इसमें गुजियों में मटेरियल भरना है वो स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसमें थोड़ा ही दूध लगा, ये देखें सारा काफ़ी दूध बच गया, तो अब हम इसको रखेंगे इसमें भूलेंगे, और इसको अच्छे से ढाँप कर रख देंगे साइड पर। अब हम भूनेंगे सूजी। सूजी को हमने कढ़ाई में डाल लिया है, गैस को ऑन कर दिया है और भून रहे हैं, ये बिना घी के भून रही हूँ मैं, तो इसको बस ब्राउन हो जाए तो इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके फिर हम खोए को भून लेंगे अच्छे से देसी घी में डालकर। और फ्रेंड्स, इसमें इस रेसिपी में भी मैं गुड़ वाली शुगर यूज़ करूँगी, मैं चीनी को नहीं यूज़ करूँगी, तो क्योंकि मैं हर एक अपनी जो डेजर्ट बनाती हूँ सब में मैं गुड़ वाली शुगर ही यूज़ करती हूँ, जो शक्कर होती है वो हेल्दी होती है। सूजी भून चुकी है, अब इसको हम शिफ्ट कर देंगे इस प्लेट में, अच्छे से हो गई है ये। अब बारी है खोए की, मैं खोया भून रही हूँ, इसमें मैंने
एक बड़ा चम्मच देसी घी का डालकर इसको भूना। वैसे खोए में खुद का भी थोड़ा सा घी था इसलिए ज़्यादा घी नहीं डला इसमें, बस एक बड़ा चम्मच। इसको अच्छे से भून लेना है। अब इस भुने हुए खोए में हमने सारा कुछ मिला दिया है, सूजी और जो ड्राई फ्रूट मैंने पीसा हुआ था वो सब कुछ मिला दिया और साथ में गुड़ की शक्कर भी मिला दी है। तो इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने मीठा चेक किया, शक्कर थोड़ी कम लगी तो अब मैं इसमें थोड़ी सी और शक्कर डाल रही हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब जो मैंने किशमिश भिगो के रखे थे वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब कढ़ाई गैस पे रख के फ्लेम ऑन कर देंगे और मैंने जो सारा मटेरियल था वो मैंने एक परात में डाल लिया है ठंडा होने के लिए। और कढ़ाई में हम डाल देंगे देसी घी क्योंकि हमें अब ये मैंने फ्राई बड़े बर्तन में डाल दिया है इसको, तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम उसकी बेस तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई में देसी घी डालकर मैंने फ्लेम पर रख दिया है, फ्लेम अभी मैंने कम कर रखी है। तब तक हम छोटी छोटी लोइयाँ लेकर तो इसकी रोटियाँ सी बना लेंगे छोटी छोटी देसी घी लगाकर इसको। इसका जो है ना इस रोटी को थोड़ा पतला बेलना है, यानी कि मोटी नहीं बेलना, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए ऐसे, ठीक है। और इसको हम इसमें भरेंगे, देखिए मिली जितनी हमें चाहिए बीच में। इसको हम हाथ से भी बना सकते हैं लेकिन मेरे पास एक सांचा है, मैं उसमें रखूँगी इसको। ऐसे बंद कर दो और जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल देंगे। हो जाएगी तैयार, ये देखें कितने अच्छे से बने हैं। इसको रखेंगे तैयार करेंगे। सारी हम ऐसे बनाकर रख लेंगे जितनी भी हमने बनाई है, तो फिर काफ़ी सारी ऐसी बनाकर यानी फिलिंग भर के रख लेंगे तब हम इनको फ्राई करेंगे। ये मैंने तैयार कर ली हूँ कुछ, अभी इनको हम फ्राई करेंगे। तो देखिए, और जो आंच है वो धीमी रखनी है। ऐसे हम धीमी आंच पर इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और धीरे से इनको पलटेंगे ताकि ये फूल ना जाए।
लोग इनको मैदे में बनाते हैं, लेकिन मैं मैदा प्रेफर नहीं करती, मुझे ये गेहूँ के आटे में ही मैं बनाती हूँ हर दफ़ा। और बड़ी ही अच्छी बनती है, आप घर पे ट्राई कीजिएगा, बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है। कई लोग इसको इनको बनाने के बाद चाशनी में डुबो देते हैं, वो भी फिर कुछ ज़्यादा ही मीठी हो जाती है, इसलिए हमारे घर में ऐसी पसंद की जाती है। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी गर्मा गर्म देसी घी में बनी गुजियां, और ये बहुत ही हेल्दी हैं, पौष्टिक हैं और स्वादिष्ट भी हैं, बहुत ही अच्छी बनी है। और फ्रेंड्स, आपको कैसे लगा मेरा गुजिया बनाने का तरीका? मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया है, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज की बस मेरा वीडियो यहीं तक थी, तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में जल्द ही। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।